दोस्तों, आयुर्वेद का स्कोप कितना तेजी से बढ़ रहा है ये सबसे आप सब परिचित हैं। पिछले 10 सालों में जितनी तेजी से आयुर्वेद बढ़ा है, जितनी तेजी से हमारी सरकारों ने इस पे काम किया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इस विशेष मौके पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका इसमें विशेष योगदान है कि जब पहली बार उनकी सरकार बनी तभी उन्होंने आयुष मंत्रालय की स्थापना की, और 2014 से लेकर 2024 तक, यानी कि पिछले 10 सालों में आयुर्वेद मंत्रालय ने बहुत ही ज़्यादा इस आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया है। और हम देख रहे हैं हम सभी लोग कि आयुर्वेद जितना तेज़ी से ग्लोबल हो रहा है, उतनी तेज़ी से इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे छोटी बीमारी से परेशान हो या बड़ी बीमारी से परेशान हो, वो सभी आयुर्वेद का इलाज लेना चाहते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि आयुर्वेद की इंडस्ट्री या आयुर्वेद का एजुकेशन सिस्टम या जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें तेज़ी से सब में डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी को लेकर कि विदेशों में आयुर्वेद कैसे बढ़े, या जो फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं जो आयुर्वेद का इलाज लेना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेन में आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा इलाज पॉपुलर नहीं है, या है भी तो वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हम अपने देश में जितने फॉरेन के जो पर्संस हैं उनका इलाज अपने यहाँ आयुर्वेद की पैथी से किया जाए। और पिछले बहुत से हम लोगों ने देखा कि बहुत से इंटरनेशनल लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी चर्चा भी की। ऐसे में बहुत से राष्ट्राध्यक्ष के बारे में भी चर्चा की गई थी। लेकिन जो भी फॉरेन के लोग इंडिया में आयुर्वेद का इलाज करना चाहते थे, बहुत सारी समस्याएं आती थी वीजा को लेकर, क्योंकि आयुर्वेद इलाज के लिए कोई अगर मेंशन करता था वीजा के लिए, तो थोड़े बहुत उसको बहुत सारी जो ऑफिशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी कुछ समय पहले ही चर्चा की थी आयुष वीजा के लिए, तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब जो है, अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं और आयुष के इलाज के लिए आयुष वीजा चाहते हैं, तो अब इसकी सुविधा जो है पोर्टल पे मिल गई है, जहाँ पे आपको पासपोर्ट रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज मिलती है, वहाँ पे आपको आयुष वीजा का ऑप्शन मिलने लगा है। और इसी का नोटिफिकेशन अभी NCISM ने कुछ दिन पहले ही रिलीज किया है। और ये नोटिफिकेशन जितने भी इंडिया में जितने भी आयुष के प्रैक्टिशनर हैं, चाहे आयुर्वेद के हो, यूनानी के हो, पैथी का जो भी हो, सबके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन को रिलीज करने का मकसद यही है कि जो भी प्रैक्टिशनर अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल को चाहते हैं कि ग्लोबल स्तर पर लोग उसको जाने, या फॉरेन का कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ इलाज कराना चाहे, तो इसके पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कराना होगा, जो कि वीजा वाली जो फैसिलिटी जहाँ से हम लोग अवेल करते हैं। तो इसको लेकर नोटिफिकेशन में जो भी डिटेल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इसमें वीडियो में बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ढेर सारी जानकारी वाली आपके लिए उपयोगी वीडियोज हम सब आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये नोटिफिकेशन जो है NCISM का है, जो 28 मई 2024 को आया, अभी कुछ दिन ही हुआ। और जितने भी आयुष के प्रैक्टिशनर हैं, ये उन सबके लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जो मेन सब्जेक्ट है इस नोटिफिकेशन का, रजिस्ट्रेशन ऑन मेडिकल एंड आयुष वीजा पोर्टल फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, यानी कि मेडिकल और आयुष वीजा पोर्टल के लिए मेनली ये नोटिफिकेशन आया है। इन रिफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, आई एम डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कमीशन टू कन्वे दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ नोटिफाइड ए न्यू कैटेगरी। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने एक नई कैटेगरी वीजा के लिए नोटिफाई कर दिया है। उसका नाम रखा आयुष वीजा, AY, आयुष वीजा फॉर फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया टू अंडरटेक ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि कोई भी फॉरेनर आयुष के इलाज के लिए आना चाहता है, तो आयुष वीजा कैटेगरी के अंदर उसको जो है वीजा मिल जाएगा। और इसमें मेनली दो वीजा इसमें शामिल है आयुष वीजा में। एक तो पेशेंट है उसको आयुष वीजा ही मिलेगा, और जो उसका अटेंडेंट है उसको अटेंडेंट वीजा मिलेगा। तो दो कैटेगरी हैं, जो पहला है ई आयुष वीजा एंड ई आयुष अटेंडेंट वीजा। दो चीज़ें इसमें हैं, जो भी जान आना चाहता है वो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके माध्यम से वो इंडिया में अपना आयुर्वेद का या होम्योपैथी का या यूनानी का इलाज करा सकता है। इन दिस रिगार्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ डेवलप्ड मेडिकल एंड आयुष वीजा पोर्टल फॉर ऑन बोर्डिंग ऑफ आयुष हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स एंड वेलनेस सेंटर टू फैसिलिटेट द वीजा प्रोसेस टू फॉरेनर्स टू अवेल सर्विसेज ऑफ द स्पेसिफाइड आयुष हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उन्होंने एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया है, जिसपे कि आयुष हॉस्पिटल क्लिनिक या वेलनेस सेंटर को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका क्लिनिक वहाँ पर रजिस्टर्ड है उस पोर्टल पर,
तभी आयुष वीजा, जो भी पेशेंट आना चाहता है आपके इलाज के लिए, तभी उनको आयुष वीजा मिलेगी। तो जो भी हैं इस फील्ड में जो एक्टिव हैं, जिनके अपने क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल हैं या वेलनेस सेंटर हैं, वो जल्द से जल्द इस पोर्टल पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। द इंटरेस्टेड आयुष हॉस्पिटल्स वेलनेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो जब आप जाएंगे उस पोर्टल पे, तो आपको वहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा जिस पे भी जो भी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करनी होगी। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक इसी डॉक्यूमेंट में दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसको टाइप करिएगा जब अपने ब्राउजर पे, तो आपको वहीं पे डायरेक्ट लेके चला जाएगा जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आएगा, मेडिकल एंड आयुष वीजा पोर्टल यूजर रजिस्ट्रेशन। इस पे तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, साइन अप, रिप्रिंट यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडिट यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हमको साइन पे जाना है क्योंकि पहली बार स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर पहले इसके किसी ने साइन अप कर लिया है तो आपको अगर एडिट करना है तो एडिट पे जाइए या सीधे आप रिप्रिंट कर सकते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये है वो पोर्टल जहाँ से हम अपने इंस्टीट्यूट का या अपने मेडिकल फैसिलिटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि जो भी फॉरेनर इलाज करना चाहे वो करा सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक डिटेल्स चाहिए, आपको सबसे पहले एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना होगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा आपको। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देना होगा, यहाँ पे इतने सारे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसका आंसर ये मेनली पासवर्ड रिकवरी के लिए होता है और कोई ज़्यादा इसका यूज नहीं है सिक्योरिटी क्वेश्चंस का। इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, ईमेल, मोबाइल, फोन नंबर एंड नेशनलिटी। इसके बाद हॉस्पिटल, आयुष, योगा, वेलनेस सेंटर का डिटेल, जो भी आपकी सेंटर है, हॉस्पिटल है आयुष का या आयुष का क्लिनिक है या योग है, का सेंटर है या वेलनेस सेंटर है, इस सब की डिटेलिंग आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। पूरा उनका एड्रेस, ईमेल, सब कुछ डिटेल देना है आपको। इसके बाद डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ हॉस्पिटल आयुष योग वेलनेस सेंटर, यानी कि जो आपका नोडल ऑफिसर या कोऑर्डिनेटर हो उसका यहाँ पे डिटेल ऐड करके कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आपको एडिट करना है कुछ भी डिटेल में तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए और जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने बनाया है उसको आप फिल करके गो करेंगे तो आपका एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सभी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स के लिए, जिनका ऑलरेडी वेलनेस सेंटर कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से रन कर रहा है या जिनकी क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, उन सब के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है। निश्चित रूप से आप सब अपने जो सेंटर्स हैं उनको ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं। आप जितने भी फॉरेन के जो पेशेंट्स हैं उनको आप अपना बेहतर आयुष का इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देर ना करिए, आप जल्द से जल्द इस पोर्टल पर जाइए, अपने जो भी सेंटर है उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे आपका जो भी सेंटर है चाहे छोटा हो या बड़ा, वो ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर होगा। बाहर से पेशेंट्स आपको आएंगे और पेशेंट ठीक होके जाएंगे तो आपका, आपके हॉस्पिटल का और आयुर्वेद तीनों का नाम दुनिया भर में फैलेगा।